बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत का बड़ा कदम, अमित शाह ने बनाई कमेटी। आपको बता दें कि यह कदम हाल ही में बांग्लादेश में मस्जिद उथल पुथल के बीच उठाया गया है, जिनमें भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ी बर्ड। बांग्लादेश की जनता ने तख्ता पलट कर रख दिया है। आरक्षण मामले से शुरू हुए हिंसा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की न केवल कुर्सी छीन ली बल्कि देश से भी दूर जाने को मजबूर कर दिया। दिन प्रतिदिन बांग्लादेश की हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। देश में अल्पसंख्यकों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अल्पसंख्यकों की बिगड़ती समस्या को लेकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का काम बांग्लादेश में हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का जायजा लेना होगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इस कमेटी से मिली रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश सरकार से बात कर वहां पर मौजूद हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण करवाएंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर आंतरिक सरकार से सीधा बातचीत करी। सरकार की नजर भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी टिकी है। चलिए आपको बताते हैं कि अमित शाह ने आके क्या जानकारी दी। इस बात की जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने अपनी एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पे नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता ADG सीमा सुरक्षा बल पूर्व कमान करेंगे। हिंदुओं को बनाया निशाना। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो और फोटो देखने को मिल रहे हैं जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि उपद्रवियों द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घर दुकानों में आग लगाई जा रही है। यहां तक कि बांग्लादेश में बने हिंदू मंदिरों को भी जलाकर खाक कर दिया गया। यहां मंदिर, गुरुद्वारा या किसी को नॉन मुस्लिम पूजा स्थलों को बख्शा नहीं जा रहा है। इतना ही नहीं, देश में अब हिंदू नेताओं को टारगेट कर उन पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर बीते कई सालों से हमले होते आ रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर, घर, दुकानों, पंडाल में तोड़फोड़ और लूटपाट की कई खबरें यह आम बात है। इससे पहले भी बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और हिंदुओं पर हमलों के कई मामले सामने आए हैं। हर तरीके की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़ी बर्ड यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करें न्यूज़ी बर्ड ऐप।